आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोस्वामी गणेश दत्ता एसडी कॉलेज सेक्टर 32C चंडीगढ़, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ अफिलिएटेड है। अ कॉलेज अ प्रीमियम मल्टी फैकल्टी पोस्ट ग्रेजुएट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। बहुत सारी खासियत है इस कॉलेज की। ये कॉलेज अपनी एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। रेयर डिस्टिंक्शंस इस कॉलेज की बिस्टोर विद द स्टेटस ऑफ ए कॉलेज विद द पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस बाय द UGC न्यू दिल्ली, सिलेक्टेड अंडर फिस्ट प्रोग्राम स्कीम बाय DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रैंक्ड 99th इन ऑल इंडिया रैंकिंग 2019 बाय NIRF, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिलेक्टेड अंडर स्टार कॉलेज स्कीम बाय DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंक्शनड दीन दयाल उपाध्याय नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज एंड लाइवलीहुड कौशल केंद्र, स्टेटस बाय UGC टू रन B वोकेशनल कोर्सेज, रैंक्ड 10th इन BCA, 19th इन कॉमर्स, 21st इन साइंस, 22nd इन BBA एंड 33rd इन आर्ट्स इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया एट ऑल इंडिया लेवल इन द सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिया टुडे MRDA 2019। सिटी वाइज कॉलेज रैंक्ड 1st इन कॉमर्स एंड साइंस एंड 2nd इन आर्ट्स। इस कॉलेज में PhD प्रोग्राम्स, MSc प्रोग्राम्स, MA प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MCOM, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCOM जनरल, BBA, BCA, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc नॉन मेडिकल, BSc मेडिकल और B वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। इस कॉलेज में सिर्फ पंजाब से ही नहीं, हरियाणा और हिमाचल से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली और विद्यार्थियों के साथ संपर्क रखा। हमारे पंजाब प्लस की टीम ने यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर बलराज थापड़ से बातचीत की। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं विद्या की दानी वो संस्था जो पिछले लंबे समय से चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरीके से ये संस्था केवल पंजाब को ही नहीं बल्कि हरियाणा हिमाचल की बात कर ले, दूर दूर से बच्चे जो है SB कॉलेज में आते हैं और इसको प्रेफर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कॉलेज को 48 हो गए हैं। 48 में हमने जो रिजल्ट दिए हैं और जो हमारी अकम्पलिशमेंट है उसके बेसिस के ऊपर बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमारा कॉलेज जो है ये अक्रेडिटेड A+ है बाय NAC एंड बाय UGC। इट इज़ ए कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस एंड इट हैज बीन लिस्टेड इन द NRIF रैंकिंग आल्सो। सर, यहाँ तक हम बात करें, ये जो कॉलेज है केवल विद्या का दान ही नहीं, इसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज, गेम्स की बात कर लें, सबसे बड़ी बात करेक्टर बिल्ड की, जो बच्चा SB स्कूल कॉलेज का पढ़ा होता है तो उसको लोग प्रेफर करते हैं। अगर बच्चियां यहाँ से पढ़कर जाती हैं तो एक वैल्यूज लेकर जाती हैं, क्या कहना चाहिए? हमारा कॉलेज स्नातनिष्ठ वैल्यू पे आधारित है और जो स्नातनिष्ठ हमारी वैल्यूज हैं हम बच्चों को इम्पार्ट करते हैं, करेक्टर बिल्डिंग करते हैं। ये सिर्फ हम एकेडमिक रिजल्ट्स ही नहीं लेके आते, हमारी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही स्ट्रांग है। कल्चरल एक्टिविटीज में पिछले 6 सालों से हम लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी जीत रहे हैं और हमारा स्पोर्ट्स में भी बहुत रैंक है। वी आर ऑलवेज इन द सेंट्रल स्टेज ऑफ द स्पोर्ट्स। सर, हम बात कर रहे हैं, ये कॉलेज चौहों वर्णों का साझा है, चाहे हम हिंदू की बात कर लें, सिख की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, चारों कम्युनिटीज यहाँ पढ़ती हैं और चारों कम्युनिटीज का ही यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है और उनको उसी ढंग के साथ वैल्यूज में लिया जाता है। ये हम चार कम्युनिटी को नहीं कह सकते, हम तो टोटली सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, तो कोई भी रिलीजन हमारे पास आ जाए हम उसको वेलकम करते हैं। हमारे पास सिर्फ चार कम्युनिटी के हिंदू, सिख, ईसाई नहीं है, हमारे पास सारी कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, इवन फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। इट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, सो वी वेलकम एवरीबडी बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन इज टोटली सेकुलर। प्रिंसिपल साहब, जिस तरीके से आप अपने टीचर्स को काउंसिल करते हैं कि हमने केवल विद्या का दान ही नहीं देना, जो बच्चे हैं बच्चे हैं, इन्होंने जाकर प्रोफेशनल स्टडीज में, इन्होंने जाकर जॉब्स में जाना है, कहीं उन्हें बाहर जाना है,
तो आप उनको जैसे गाइड करते हैं अपने स्टाफ को, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं कि हमने इनको वो वैल्यूज देनी है, उनको वो बॉडी लैंग्वेज देनी है जिसके साथ उनका एक ऐसा एटीट्यूड हो कि हर जगह पर जाकर ही वो किंग रहे। हम बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम काउंसलिंग करते हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, वो बच्चों की काउंसलिंग करता है। बाकी सारे टीचर्स जो हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, ये बच्चों को वैल्यूज क्लास में भी देते हैं और क्लास में भी उनको ये कहते हैं कि बिल्कुल एथिकल मार्क पे आपको चलना है, मोरालिटी के मार्क पे आपको चलना है और कोई गलत काम जिंदगी में नहीं करना। सर, COVID-19 के एपिडेमिक में बहुत ज्यादा जो है टेंशन में आ गया था सारा हिंदुस्तान वर्ल्ड, लेकिन ये जो संस्था है जिसमें आप लोग पहले ही ऑनलाइन क्लासेस की बात कर ले, स्मार्ट क्लासरूम्स की बात कर ले और नई नई स्टडीज की बात कर ले ऑनलाइन स्टडीज की, तो ये कॉलेज पहले ही इन चीजों के लिए परिपक्व था, तो क्या कहना चाहेंगे कि भाई यही वजह है कि इस कॉलेज में उस पीरियड के दौरान भी ज्यादा स्टूडेंट्स का लॉस नहीं हुआ? हमारे पास TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और कॉलेज इज टोटली ऑटोमेटेड। जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कम कॉलेजेस के पास होगा और ये प्लेटफॉर्म TCS LX मॉड्यूल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था और हमारे टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उस TCS से फेमिलियर हैं, उनको रोल नंबर वगैरह अपनी अटेंडेंस वगैरह सारा TCS पे देखने की आदत थी और इसलिए हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बहुत सक्सेसफुली चल रही हैं। सर, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो हर साल कोई ना कोई नई चीज जो है इस कॉलेज में, नए कोर्सेज, नई नई ऊंचाइयों को ये कॉलेज छू रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या आपने कोई नई जो है इसमें क्या ऐड किया? इस बार हमने BVOC इन मास कम्युनिकेशन और BVOC इन लेबोरेटरी और MVOC इन फैशन डिजाइनिंग, ये हम स्किल बेस्ड कोर्सेज ऐड कर रहे हैं। इस साल हमें UGC से सेंक्शन हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर से ये यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगे। प्रिंसिपल साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी 3:30 है और जब भी हम आपके लेक्चरर्स के साथ देख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे, तो क्या क्या कारण है, क्या एनर्जी का सोर्स क्या है कि ऐसे आप 3:30 टाइम है, आप भी पूरी फ्लो में है और आपका स्टाफ भी पूरी फ्लो में है, क्या कारण? ये हमारी डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन है। हमारे सारा स्टाफ कॉलेज के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, वो ये बिलीव करते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन है तो इंडिविजुअल है, अगर इंस्टीट्यूशन के नाम से हम जाने जाते हैं, अगर हमारी इंस्टीट्यूशन राइज करेगी तो हम राइज करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें हमेशा पंजाब प्लस को समय देते हैं और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको हम जब कवर भी करते हैं तो इतने रिव्यूज आते हैं, चैनल को इतने रिव्यूज मिलते हैं, क्योंकि आपका अलुमनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत लंबे समय से आप सेवाएं कर रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारी टीम ने यहाँ के स्टाफ से बात की, यहाँ का स्टाफ बेहद मेहनती और कर्मठ है। सर, ये जो छोटा सा बूटा लगा था शानदार पेड़ कर उदाहरण करके स्वाइन दे रहे हैं, आप इसमें अपना योगदान पा रहे हैं, क्या कहेंगे? पिछले 5 दशकों से इस कॉलेज ने अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी अपनी भूमिका निभाई है। हमारा ये कॉलेज आर्ट्स कॉलेज से शुरू हुआ था, जो आज की डेट में ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बन गया है और आज हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेके PhD प्रोग्राम तक हर तरह के कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए बड़े सारे स्कॉलरशिप, फ्रीशिप दी जाती है और जिस भी समाज के वर्ग को ये लगता है कि कॉलेज से किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, कॉलेज उसमें कभी पीछे हटता नहीं। और सर, कोरोना के एपिडेमिक में भी सारा कॉलेज में जैसे ऑनलाइन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को शिक्षा का कोई नुकसान नहीं। कॉलेज ने 2014 में ही ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म बना लिया था, उस प्लेटफॉर्म की मदद से हमें कुछ दिनों में ही हमने ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। रादर बहुत सारे संस्थाओं को दिक्कतें आई कि किस तरह से हमने ऑनलाइन टीचिंग को
अपने बच्चों तक पहुंचाना है, पर हमारा क्योंकि पहले से ही ये सिस्टम बना हुआ था, हमने बहुत जल्दी से बच्चों की तरफ अपने कंटेंट को भेजना, बच्चों को पढ़ाना और ऑनलाइन उनकी समस्याओं को समझना और सुलझाने के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि ये कॉलेज नॉर्थन रीजन में, जिन्हें हमें कॉलेजेस पता है कि जो टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, उनमें सबसे आगे है ऑनलाइन टीचिंग में। थैंक यू सर। पर ये कॉलेज जो एक खड़ा पानी नहीं है, हमेशा ये चलने वाला है और कोई ना कोई नई चीज़, जैसे इस साल भी आपने नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और आप मास मीडिया में एक नया आवाम दे रहे हैं, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपार्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स से, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सिलेबस से हट के भी हम बहुत सारा सोसाइटी की तरफ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव शुरू किया है स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर, सो बहुत सारे हमारे ऑलरेडी 3-4-5 चल रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज। सो इस साल हमने भी अपना मीडिया और एंटरटेनमेंट में नए कोर्स के लिए अप्लाई किया था और आने वाले सेशन में हम शुरू करेंगे वीवॉक कोर्स मीडिया और एंटरटेनमेंट। सर, हम देख रहे थे कि 3:30 बजे का समय था, लेकिन एनर्जी लेवल्स आप सभी लेक्चरर्स के भी और प्रिंसिपल के भी पूरे हाई हैं। क्या एनर्जी है ऐसी, कैसी, जिसके साथ आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और 3:30 बजे के 3:35 हो चुके हैं, 9 बजे के आए हुए, किस तरीके से आप अपने आप को इस कॉलेज के लिए समर्पित करते हैं? ये हमारे कॉलेज का एक नियम ही रहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो अपना मन लगाकर जो भी काम है टीचिंग के अलावा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या बच्चों के काम के लिए या सोसाइटी के काम के लिए, जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अपना काम रेगुलर करते हैं, और बच्चों के काम में हेल्प करना और उसके लिए वही एक इंटरनल एनर्जी है और एक पैशन है टीचिंग का, जो कि शाम तक और देर रात तक भी काम करते हैं। सर, जो वेस है आप लोगों के यहाँ एसडी कॉलेज में पढ़ाने के, वो ऐसे हैं कि लोगों को मजा आता है बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि वही क्लासेस हैं, वही टीचिंग है, लोग उबने लग जाते हैं। आजकल बच्चे, बड़े बड़े बच्चे हैं, उनका माइंड सेट अप मीडिया के कारण बहुत ज़्यादा और तरह का है, लेकिन आप लोग उसी तरीके से उनकी वही मर्ज को समझते हैं और उसी तरीके से उसको उसी वे से पढ़ा रहे हैं। ये एक नई क्रांति है जो एसडी कॉलेज कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेन जो मोटिव है जी, एक टीचिंग के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना। सो हम कोई नए नए इनोवेटिव मेथड्स क्रिएट करते हैं, उनको लैब्स में हैं या रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उनमें उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, सो दैट कि उनका जो थ्योरी में है कि वो इंटरेस्ट बना रहे और वो चीज़ को बेटर तरीके से सीख सके। सो इसलिए उनका ध्यान ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। थैंक यू सर।